यूपी के कासगंज में नाबालिग के साथ हैवानियत, चार लोगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है। गांव के ही चार लोग बताए जा रहे हैं जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग ने आरोप लगाया है कि गांव के ही चार लोग हैं। चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिढ़पुरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। तो नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला जो है सामने आया है। कासगंज में नाबालिग के साथ हैवानियत की गई है। चार लोगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है। गांव के ही ये चार लोग बताए जा रहे हैं। नाबालिग ने आरोप लगाया है गांव के चार लोगों के ऊपर कि उस नाबालिग के साथ इन चार लोगों ने दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया। मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन कार्रवाई अभी कहां तक पहुंची है, क्योंकि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो पुलिस का रोल यहां पर अहम हो जाता है। जिस तरह के प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत लेंथी होते हैं और यही वजह है कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया और पुलिस की तरफ से जो प्रोसेस होते हैं उसमें मामला उलझता जाता है और न्याय में देरी होती है और इस तरह के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हैदराबाद के बाद अब यूपी के कासगंज की ये घटना। ये कह रही थी कि कल शाम को जो है वो जा रही थी टॉयलेट, तो बर्तन लेने बाहर गई है, तभी गांव के ही चार लड़के हैं जिन्होंने इसको पकड़ के जबरदस्ती ले गए। लड़की ठीक है, वाइटल सब मेंटेन है और इन्वेस्टिगेशन जो मेडिकल लीगल हो रहा है वो डॉक्टर सब कर रही है और उसी केस से जैसा रिजल्ट है। गैंगरेप तो चार लोगों ने किया है मैम, क्या तो रही चार लोगों ने किया, डॉक्टरी के मना हुआ था, स्वाब टेस्ट ये सब होगा, वो टेस्ट के बाद ही जो है निर्णय पे निकला जाता है कि क्या।